नमस्ते, चलिए आज बनाते हैं अजवाइन के पत्तों से लच्छा पराठा, जो बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और हेल्दी होता है। इसे आप ब्रेकफास्ट में खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। मन चाहे चटनी, अचार, दही और चाय से भी ये पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले सामग्री बताती हूँ। 10 से 12 अजवाइन के पत्ते ली हूँ, फ्रेश पत्ते हैं, यह मैं गमले में लगाई हूँ। अगर आपके पास ना मिले तो आप सूखा अजवाइन भी ले सकते हैं। तेल ली हूँ, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जीरा, आधा किलो आटा। सूखा आटा निकाल करके इसका मीडियम आटा मैं लगाऊंगी, रोटी के जैसे। न बहुत टाइट ही आटा लगाना है, न बहुत गीला ही, एकदम रोटी के जैसे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथ लूँगी। गूंथ लिया है मैंने आटे को, थोड़ा सा तेल लगा करके आटे को चिकना करूंगी और इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए मैं इसे रखूंगी। चिकना कर लिया है, अब इसे मैं रख दूंगी रेस्ट के लिए। तब तक मैं अजवाइन के पत्तों को मैं काट लेती हूँ। बारीकी से हमें काट लेना है इसे। इसे पहले से ही मैं धो के रखी थी। अगर आपको अजवाइन का पत्ता ना मिले तो आप अजवाइन भी क्रश करके डाल सकती हैं। काट लिया है, आटा भी हमारा फूल गया है, कितना चिकना आटा तैयार हो गया है। सूखा आटा लेकर के अब मैं पराठा बनाना शुरू करूँगी। हमें जैसे स्टफिंग के लिए लोइयाँ बनानी होती है, कचौरी पराठा, उसके लिए तो इसकी लोइयाँ थोड़ी बड़ी ही बनानी है। तो इस तरह से मैंने कुछ इतने बड़े बड़े मैंने बनाया है, इसी तरह से मैं लोइयां बना लूंगी। बना लिया है मैंने, पहले मैं 3 लोइयां बनाई हूँ, इसका पराठा बनाऊंगी। इसे पतली रोटी की तरह मुझे बड़ा बेलना है। जब पतला बड़ा में बेलने से हमारा लच्छा बहुत अच्छे से निकलता है और ढेर सारे लच्छे बन जाते हैं। जब छोटी रोटी रहेगी तो लच्छे कम बनेंगे। तो बना लिया मैंने, इतना बड़ा पूरा चकली के बराबर मैंने रोटी को बनाया है। और इसमें तेल अच्छे से लगाऊंगी, तेल कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। इसके ऊपर सूखा आटा डाल करके सब जगह मैं मल दूंगी इसे, कहीं भी हर तेल के ऊपर हर जगह आटा हमारा जाना चाहिए। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा आटा छिड़कते हुए लगा ली हूँ। इसी के ऊपर डालूंगी जीरा और अब डालूंगी अजवाइन के पत्ते। सब जगह अजवाइन के पत्ते हमारे फैल जाना चाहिए, इसी तरह से सब जगह मैं डाल दूंगी। और अब मैं इसे फोल्ड करूंगी। फोल्ड करते समय ध्यान से देखिए, यही फोल्ड करते समय हमारा अच्छा से पराठा जब फोल्ड होता है तो लच्छे बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए, पहले मुझे इस तरह से दबाना है, फिर आगे की तरफ ले जाना है, फिर पीछे तरफ फोल्ड करना है। इसी तरह से देखिए, आगे फिर पीछे साइड से हमने दबा दिया, फिर आगे फिर पीछे, ऐसे ही फोल्ड कर लूंगी। हो गया हमारा पराठा फोल्ड। इसी तरह से सारे पराठे को मैं फोल्ड करूंगी और थोड़ा हाथ से दबा करके जरा सा बड़ा और इसे लंबे में खींच लेना है। थोड़ा हो गया है, हल्का सा ऊपर से तेल लगाऊंगी ताकि इसे रोल करूंगी तो चिपके नहीं। इसीलिए बार बार रोल किया जाता है कि हमारा लच्छा ढेर सारा खुले और खाने में बहुत क्रिस्पी होता है। इसी तरह से गोले में हम हल्के हाथ से घुमाते जाएंगे, मैं जरा भी दबाना नहीं है। लास्ट हो गया, अब कॉर्नर पे जो बचा है उसे हम दबा देंगे। रख दूंगी इसे 2 मिनट रेस्ट के लिए। ऐसे ही सारे लच्छे बना लूंगी। बन गए हमारे लच्छों के लोइयां। अब मैं पराठा बनाना स्टार्ट करूंगी। गैस पे तवा चढ़कती हूँ, गैस तवा हमारा गर्म हो रहा है। अब हमें बहुत पतला ये पराठा नहीं बेलना है, मीडियम ही हल्के हाथ से बेलना है। वो अपने आप हो जाता है, मुलायम रहता है। और लच्छा पराठा थोड़ा मोटा ही रहता है क्योंकि हमारे अंदर इसमें लच्छे बने रहते हैं। डाल दी हूँ मैं तवे पे, इसे पलट लूँगी। मीडियम आँच पे हमें पराठे को सेकना है। जैसे जैसे पराठा पकता जाएगा उसका लच्छा छूटता जाता है। लच्छे देखिए लाइन से हमें दिख रहे हैं सब। अब मैं ऐसे इसे पलट लूंगी फिर से।
इस तरह से देखिए सारे लच्छे लाइन दिख रहे हैं। जैसे जैसे पकेगा ये लच्छा अपना अपने आप ये छोड़ते जाता है। इस तरफ भी मैंने तेल लगा ली हूँ और फिर से मैं इसे पलटूंगी। ये पराठा पक गया है, हर जगह से लच्छे छूटते जा रहे हैं। देखिए हमें छुड़ाना नहीं पड़ रहा है और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पराठा बन के तैयार हो गया है। सारे पराठे मैं बना ली हूँ। ये देखिए लच्छे दिखा रही हूँ आपको किस तरह से छोड़ा है। आप भी बनाइए, खाइए, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द लौटूंगी किसी नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।